आज हम जानेंगे सेंट्रल वाटर कमीशन के बारे में। न्यूज में ये इसलिए है क्योंकि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने सेंट्रल वाटर कमीशन CWC को ब्लेम किया है कि CWC ने दामोदर वैली कॉर्पोरेशन रिजर्वायर से जो पानी को रिलीज किया उसके कारण बंगाल में बाढ़ आ गई है। तो देखिए, सेंट्रल वाटर कमीशन CWC एक स्टैचुअरी बॉडी है जिसे 1945 में एक एक्ट के तहत डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की एडवाइस पर बनाया गया था। ये एक एडवाइजरी बॉडी है। तो ये जो सरफेस वाटर होता है, नदियों का जल होता है, उस जल के वाटर रिसोर्सेज के डेवलपमेंट और उसके मैनेजमेंट को देखता है ये, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अब ये सिर्फ सरफेस वाटर से रिलेटेड काम को देखता है, लेकिन जो ग्राउंड वाटर होता है, जो पृथ्वी के अंदर से पानी बाहर निकाला जाता है, उसका मैनेजमेंट का काम करता है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। अब जो सेंट्रल वाटर अथॉरिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ कॉपरेशन करती है, साथ ही फ्लड कंट्रोल करना, इरीगेशन, नेविगेशन, ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई करना, वाटर पावर को डेवलप करना, इन सब कामों में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। CWC के चेयरमैन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी के रूप में भी काम करते हैं। इसके मुख्यतः तीन विंग्स या तीन डिपार्टमेंट्स होते हैं। पहला है डिजाइन एंड रिसर्च विंग, दूसरा रिवर मैनेजमेंट विंग, तीसरा वाटर प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट विंग। इन्हीं के थ्रू सेंट्रल वाटर कमीशन काम करता है। अब देखिए, न्यूज़ में दामोदर रिवर भी है तो उसके बारे में जान लेते हैं। दामोदर रिवर छोटा नागपुर पठार के पलामू हिल से निकलती है, झारखंड से। ये आगे जाकर गंगा नदी से अलग होकर निकलने वाली ही एक नदी हुगली रिवर में जाकर मिल जाती है। हुगली रिवर गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है और दामोदर रिवर की भी बहुत सी ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी है बराकार रिवर। दामोदर रिवर को ही सोरो ऑफ बंगाल या बंगाल का सोक कहा जाता है, क्योंकि इसी से बंगाल में अलग अलग एरिया में बहुत से फ्लड्स देखने मिलते हैं, बाढ़ की कंडीशन देखने मिलती है। अब यहाँ पर इसके मैनेजमेंट के लिए, इसके पावर को मैनेज करने के लिए, तो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है, 1948 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आता है, जो यहाँ के डैम्स मैथोन डैम, तिलैया डैम, कोनार डैम आदि को मैनेज करता है। तो आज के वीडियो के इस सारे टॉपिक में हमने पढ़ा सेंट्रल वाटर कमीशन और दामोदर रिवर के बारे में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू वॉन्ट टू इंक्रीज योर नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।